450 रुपये में गैस सिलेंडर को लेकर कई घोषणाएं सामने आ रही है कि अब सभी को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देखने को मिलेगा। बजनलाल सरकार ने इसको लेकर बड़े बदलाव किए हैं, बड़ी घोषणाएं की है। तो चलिए आज की वीडियो में इनके बारे में बात करते हैं। अब तक जहां बीपीएल को और उज्ज्वला योजना वालों को 600 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि 600 रुपये में गैस सिलेंडर पड़ रहा है, क्योंकि जो गैस सिलेंडर का प्राइस है वो तो वही लग रहा है और बाकी जो पैसे एक्स्ट्रा बच जाते हैं उनकी सब्सिडी उनके खाते में दी जाती है। तो अब अगर सब्सिडी को देखें तो कहीं ना कहीं 600 रुपये में ये गैस सिलेंडर पड़ रहा है, तो अतिरिक्त 150 रुपये और यहाँ पर जनता को देने पड़ रहे हैं 450 से ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी भजनलाल सरकार, केंद्र सरकार 600 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है, तो भजनलाल सरकार यानी राज्य सरकार अभी आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाएगी। यानी अभी जो आपके 600 रुपये लग रहे हैं उनमें से 150 रुपये अभी राज्य सरकार वहन करेगी और आपको 450 में गैस सिलेंडर पड़ेगा। इसी के साथ एक बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि ये जो 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा चुनाव में किया गया है, इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसमें अब तक ज्यादातर उज्ज्वला योजना वाले ही आ रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार ने बीपीएल वालों के लिए तो घोषणा की थी, लेकिन बीपीएल वाले इसमें ज्यादातर शामिल नहीं थे, लोगों को मिल नहीं रही थी सब्सिडी। लेकिन अभी खाद्य सुरक्षा योजना वालों को इसमें शामिल किया जा रहा है। घोषणा यह हुई है कि जितने भी लोग एनएफएसए के अंतर्गत आते हैं यानी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेते हैं, उन सभी को इस योजना से जोड़ा जाए और उन सभी को 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाए। यानी कि अगर आपको गेहूं मिलता है तो आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। यह बड़ी अपडेट आ रही है और बहुत ही जल्द यह अपडेट लागू हो जाएगी, आप सबको 450 रुपये में गैस सिलेंडर देखने को मिलेगा। अगेन बता दूं कि एक बार तो आपको पूरे पैसे ही देने पड़ेंगे, जब आप गैस सिलेंडर भरवाएंगे तो आपके पूरे पैसे ही लगेंगे जितने बाकियों के लगते हैं। बाकी के जो पैसे बचते हैं, जो 450 से ऊपर पैसे आपके अभी लग रहे हैं, वो आपको आपके खाते में सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। आपकी गैस डायरी के साथ एक बैंक अकाउंट लिंक होगा, उसी बैंक अकाउंट में ये पैसे देखने को मिलेंगे। तो ये दो बड़ी अपडेट आ रही है जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। वैसे आज मैं गैस सिलेंडर भरवाने जा रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे जो भी नई अपडेट मिलती है तो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, नई जानकारी जानने को मिली है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।